हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मेरा ब्लॉग है। मैं 2 ढाई साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और अभी जस्ट स्टार्ट किया यूट्यूब के वीडियोस बनाना। तो मैं 17 अप्रैल 2020 को, ये देखो, ये दिख रहा है, एल एन टी फिन होल्डिंग के बारे में मैं कॉल दिया था। उसका मैं लिंक पोस्ट करूंगा, ठीक है। तभी उसका मैं तभी चार्ट रखा नहीं था, तभी मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ, एल एन टी फिन्स होल्डिंग की तरफ। तो आज है तारीख 26 अप्रैल 2020। अब जो हम चार्ट देखेंगे वो 24 के बेसिस पे देखेंगे, 24 अप्रैल 2020 का जो क्लोजिंग था वो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है आपके सामने, 24 अप्रैल को जो इसने क्लोजिंग दिया था 58 रुपीज 95, एल एन टी फिन्स होल्डिंग का। हम अभी डेली में है, तो ये जो पिंक लाइन दिख रहा है इसका, ये अभी स्मॉल टर्म सपोर्ट है। जो पिंक लाइन है 56 के आसपास, इसमें मैंने कॉल दिया था, आप देखना तो देख सकते हो। ये एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए दिया था, तो इसका रेंज थोड़ा ज्यादा था। तो जिसका जो एपेटाइट है वो एपेटाइट से आप होल्ड कर सकते हो, या तो आप अपना देख सकते हो, ड्यू डिलीजेंस कर सकते हो, ठीक है। कुछ करने के पहले यहां पे मेरा ब्लॉग में डिस्क्लेमर दिया हुआ है, आप डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ लेना जो नए हैं उनके लिए। तो एज ऑफ नाउ ये कैसा दिख रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो ये है क्लोजिंग बेसिस 24 अप्रैल, 58 रुपीज 95, ठीक है। तो ये जो कैंडल था और इंटरेस्टिंग था, अभी तक क्लोज नहीं दिया है डेली में से, क्लोज दिया है डेली में वापिस से, नेक्स्ट डे इसका नीचे आ गया है। तो ये आपके सामने जो है वो चैनल फॉर्म हो रहा है। तो ये जैसा आपको दिख रहा है, ये चैनल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन देने के बाद, ब्रेकडाउन देने का है लेवल 50 to 90, पर इसके काफी इमीडिएट सपोर्ट भी है। तो एज ऑफ जैसे मैं स्टॉपलेस बताया, उसमें आप वो स्टॉपलेस दे सकते हैं। मैं आपको स्टॉपलेस बताऊंगा उसके थोड़ी देर में बताऊंगा अभी आपको, जब मैं वीकली में लेके चलता हूँ या मंथली में, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ठीक ठाक लग रहा है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक लग रहा है। अगर मार्केट में करेक्शन आया तो एक ये स्टॉक है बाई करने के लिए। मैं इसका और एक मुझे एक दिख रहा है, इसमें मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। तो अभी मैंने एक जस्ट ड्रॉ किया, इसमें ये जो ट्रायंगल जैसा है ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो फिर से ये जो सपोर्ट है मीडियम टर्म का, जो मैं आपको बताया हूँ, वो 58 के आसपास है। ये जो पिंक लाइन है ये, तो 56 पकड़ के जा सकते हो, 56 के बाद ये है। बट देखते हैं कैसा होता है आने वाले दिन में। अगर ये इसमें गिरावट आएगी तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डेली में थोड़ा लार्जर फ्रेम ले रहा हूँ। तो ये दिख रहा आपको, ये यहां से ट्रेंड लाइन था, ये एक दो और ये तीन और ये चौथा, और यहां का जो ये ब्रेकआउट था ये, और रिसेंट में अभी ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट ऑलमोस्ट हुआ है यहां पे, मेरा कर्सर पे था जी, और उसके बाद ये यहां पे तक गया था 69 के बाद। उसके बाद इसका फिर से डाउनफॉल है, डाउनफॉल मीन्स अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। चैनल का नीचे का जो सपोर्ट है वो है 52 के आसपास, एक दो रुपया पकड़ी आप, ठीक है। मैं आपको वीकली दिखाता हूँ कौन से बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, अगर ये डिक्लाइन में आप बाय करना है तो बाय कर सकते हो। तो आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जो डार्क कलर का ब्लू लाइन है, ये उसका सपोर्ट है 49.40 का, जो स्ट्रांग टर्म था। और यहाँ पे जिसमें मैं कर्सर रखा था, वीकली लो किया था 45.90 और क्लोजिंग किया था 53 का। अगर इसमें बाउंस बैक आता है तो इमीडिएट 75 प्लस टारगेट है, 75 to 80 के बीच में, ठीक है। और ये आपको एक एल जो ये दिख रहा है, ये लाइन एक यहाँ पे एक है, ये यहाँ पे एक लाइन है, ये ब्लू वाला जो डार्क ब्लू है ये वाला, इस पे इसने क्लोजिंग देने के बाद ये वाले लाइन का जो है ना, ये वाला लाइन जो लाइट ब्लू है, इस पे ऑलमोस्ट उसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये सपोर्ट का क्लोजिंग बेसिस मैंने वहां पे बोला है, और ये आप चैनल का पकड़ सकते हो 40 के आसपास वीकली। तो डिक्लाइन में आता है तो उसका रेंज भी मैंने दिया है, आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं ब्लॉग का लिंक नीचे दूंगा, ये उनके लिए है जो जिसको पता करना होता है कि वो कौन से बेसिस पे कॉल दिया, क्या है, कैसे है। तो वीकली में मैं थोड़ा लार्जर फ्रेम ले रहा हूं। तो वीकली में आपको दिख रहा है ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो यहां पर मीट हो रहा है, ठीक है। और एक लाइन अगर देखा जाए तो एक मिनट, ठीक है, चलो ये जो लाइन है वो लाइन आप पकड़ के चल सकते हो सपोर्ट पे, ठीक है। अगर अब मैं मंथली लेके चलता हूँ, ये वीकली में है अभी थोड़ा लार्जर फ्रेम में, तो ये बाय ऑन डिक्लाइन है मेरी तरफ से। इसके पहले भी मैंने SBI, वेदांता और IOC के बारे में और टाटा स्टील के बारे में दिया है, अगर डिक्लाइन में आएगा तो कैसे बाय करना है वो भी ऑलमोस्ट ऐसी, थोड़े बहुत ऐसे फॉर्म हो रहे हैं।
अब देखना चाहे तो देख सकते हो, अगर बाई करते हो तो डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ लेना, मैं आपको मंथली में लेके चलता हूँ। तो मैं टारगेट दे चुका हूँ 75+ to 80 के बीच में जाने का चांसेस है, बाउंस बैक आया तो ये बेसिस था मेरा मंथली के फॉर्मेशन में। भी मंथली फॉर्मेशन होने के मतलब ये वीकेंड बाकी है, ये वीक होने के बाद मंथली फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो ये लास्ट जो कैंडल है ना, ये अप्रैल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो अप्रैल का लो है वो 48.25 है, और जो बड़ा सा लाल वाला कैंडल है उसका लो है 45.95। तो ऑलमोस्ट डबल फॉर्मेशन हो जाएगा, बट मंथली क्लोज होने का एक हफ्ता बाकी है। तो थोड़ा अर्ली कॉल है ऑन द बेसिस ऑफ ये डबल है, और मैं आपको और इसमें बॉटम्स जुड़ाऊंगा। एक मिनट देखो, ये मंथली में है, अब मैं मंथली में और थोड़ा मैग्नीफाई करता हूं। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहां पे भी डबल फॉर्मेशन हुआ था, डबल बॉटम, पर ये कैंडल काफी अच्छा था। ये जो रेड के बाद जो ग्रीन हुआ था ये काफी अच्छा था। इसके बाद जो अपट्रेंड आया है वो अपट्रेंड ये आया है, तो ये डबल बॉटम था, इसके बाद ये अपट्रेंड आया है। तो मैं अर्ली कोशिश कर रहा हूं देखने के लिए, डबल बॉटम ये सक्सेस हुआ तो ये आने वाले दिनों में ये अपट्रेंड आएगा, पॉसिबल है। तो ये बेसिस पे मेरा कॉल था। आपको मंथली में थोड़ा और लंबा टाइम फ्रेम करता हूं जो मेरे पास है अवेलेबल। तो ये मंथली दिख रहा है आपको, ये मंथली में जो टाइम फ्रेम है मेरे पास लार्जर, वो यहां पे पहले ये जो इसका रेजिस्टेंस था ये ब्लू वाला लाइन, उसके बाद ये सपोर्ट बनता चला गया इसका, और वही सपोर्ट इसने अभी रिसेंटली लिया है। तो ये और एक तरीका है, मीन्स और एक ये मेथड है कि उसके जो फॉर्म बन रहे, बेस बन रहे, वो चांसेस कितने हैं और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। तो वो बेसिस पे मैंने कॉल लिया हूं, और मैंने खुद भी बाय किया हूं और डिक्लाइंस में वेट कर रहा हूं। अब मेरा ब्लॉग का लिंक पे दे सकते हो, मैंने दो लेवल पे बाय किया और मैंने अपडेट भी किया इसमें। तो स्टॉप लॉस हो गया है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट भी हो गया है। तो ये है एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।